नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 इंग्लिश स्नैपशॉट्स के सेकंड चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है द एड्रेस और जिसकी लेखिका है मार्गा मिनको। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप YouTube पर डायरेक्ट सर्च कीजिए द एड्रेस और उसके आगे जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, यानी आपको YouTube पर सर्च करना है द एड्रेस डिज़ायर पॉइंट और इसके बाद आपको हमारा पढ़ाया हुआ पहला लेक्चर मिल जाएगा। आई हैड रिमेम्बर्ड, मैंने याद कर लिया था इट इस पते को, तो इस पते को मैंने याद कर लिया था। बट लेकिन आई हैड वेटेड, मैंने इंतज़ार किया अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, टू गेट गो देयर, वहाँ पर जाने के लिए। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बट आई हैड वेटेड, लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, टू गो देयर, वहाँ पर जाने के लिए। वहाँ पर जाने के लिए मुझे बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा, इनिशियली, विशेष रूप से आफ्टर द लिबरेशन, आज़ादी के बाद, विशेष रूप से आज़ादी के बाद, या फिर आप कह सकते हैं कि आज़ादी के प्रारंभिक दिनों में। आई वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड, मतलब मेरी रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि, तो मेरी कोई रुचि नहीं थी। एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड मतलब मेरी कोई विशेष रुचि नहीं थी, तो ज़्यादा लंबा मत खींचो, सीधा सीधा बोल दो कि मेरी कोई रुचि नहीं थी इन ऑल दैट, उन सभी स्टोर्ड, सुरक्षित रखी गई स्टफ चीज़ों में, ठीक है। तो आज़ादी के प्रारंभिक दिनों में उन सभी स्टोर्ड स्टफ, सुरक्षित रखी गई चीज़ों में आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मेरी कोई रुचि नहीं थी। क्लियर है? तो एक बार फिर से देख लो कि आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने इस पते को याद कर लिया था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए मैंने बहुत लंबा इंतज़ार किया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, विशेष रूप से आज़ादी के बाद या फिर आज़ादी के प्रारंभिक दिनों में। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मेरी कोई रुचि नहीं थी इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, उन सभी सुरक्षित रखी गई चीज़ों में। एंड नेचुरली, और स्वाभाविक रूप से, आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट। देखो कह रहे हैं कि एंड नेचुरली, और स्वाभाविक रूप से, आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड, मैं डरती थी, अफ्रेड मतलब होता है डरना, मैं डरती थी ऑफ इट, इन चीज़ों से, और स्वाभाविक रूप से मैं इन चीज़ों से डरती थी। अब डर क्यों रही हैं ये आगे बताएंगी। कहते हैं कि अफ्रेड, मैं डरती थी ऑफ बींग कन्फ्रंटेड, सामना करने से, अफ्रेड ऑफ बींग कन्फ्रंटेड, सामना करने से डरती थी विथ थिंग्स, उन चीज़ों का, मैं उन चीज़ों का सामना करने से डरती थी दैट, जिनका हैड बिलोंग्ड, संबंध है, टू अ कनेक्शन, बिलोंग टू अ कनेक्शन, जिनका संबंध है दैट उन लोगों से नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जिनका अब अस्तित्व नहीं है, अर्थात जो अब मर चुके हैं। जैसे उसकी माँ से वो सारी चीज़ें संबंधित थी, तो उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो इसलिए वो कह रही कि उन लोगों से उन चीज़ों का संबंध है, अर्थात वो चीज़ें मेरी माँ की है, और उन चीज़ों का सामना करने से मुझे डर लगता है, क्योंकि जब मैं उन चीज़ों को देखूंगी तो मुझे माँ की याद आएगी और मैं रोने लगूंगी या मुझे बुरा लगेगा। तो मैं उन चीज़ों का सामना करने से डरती थी जो उन लोगों से संबंधित है जो अब इस दुनिया में नहीं है। विच वर हिडन, और उन चीज़ों को हिडन, छुपा कर रखा गया, हिडन अबे छुपा कर रखा गया है, इन कबर्ड्स, अलमारियों में, एंड बॉक्सेस, और संदूकों में, एंड वेटिंग इन वेन, और वो चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं, इन वेन, वेन मतलब होता है व्यर्थ में ही, बेकार में ही, और वो चीज़ें बेकार में ही इंतज़ार कर रही हैं कि अनटिल देवर पुट बैक, कि उन्हें फिर से रखा जाएगा, इन देयर प्लेसेस, उनके स्थानों पर, अगेन, एक बार फिर से या दोबारा, ठीक है। तो विच वर हिडन अवे, जिन्हें छुपा कर रखा गया है, कबर्ड एंड बॉक्सेस, अलमारियों और संदूकों में, एंड वेटिंग इन वेन, और वो चीज़ें बेकार में ही प्रतीक्षा कर रही हैं कि देवर पुट बैक, कि उन्हें फिर से रखा जाएगा, इन देयर प्लेस, उनके स्थान पर, अगेन, दोबारा, कि उन्हें दोबारा एक बार फिर से उनके स्थान पर रखा जाएगा, ठीक है।
विच हैज़ इंड्यूर्ड, विच हैड, जो चीज़ें इंड्यूर्ड बनी रही, अर्थात वो सभी चीज़ें बनी रही आल दोज ईयर्स, इतने लंबे सालों तक, सॉरी आल दोज ईयर्स इतने सालों तक, ठीक है। तो वो चीज़ें इतने सालों तक बनी रही, यानी ठीक ठाक रही, यानी टूटी फूटी नहीं, बिकॉज़ क्योंकि दे वर थिंग्स, वो चीज़ें थी। अब देखो, इंसान होता, कोई जीवित वस्तु होती, जैसे पेड़ होता, तो वो बढ़ता, विकास करता ना। सजीव और निर्जीव की बात है यहाँ पे। सजीव है, अगर उसमें जान है तो वो बूढ़ा होगा, बीमार पड़ेगा। लेकिन निर्जीव, अब एक प्लेट है, उसको जहाँ पे रख दोगे वहीं पे रहेगी, चाहे जितने साल तक रख दो वो वहीं पर रहेगी, न टूटेगी न फूटेगी, अगर उसको तोड़ोगे नहीं तो, ठीक है। तो सुरक्षित रख दोगे तो वो पड़ी रहेगी। तो कहने का मतलब है कि वो चीज़ें थी, इसीलिए वो इतने सालों तक ठीक ठाक बनी रही, ठीक है। अगर इंसान होता तो हो सकता है मर जाता, हो सकता है बीमार पड़ता, कुछ ना कुछ कमियाँ आती, ठीक है। तो वही चीज़ वो कह रही है कि विच हैज़ इंड्यूर्ड, वो चीज़ें आल दोज ईयर्स, देखो विच हैज़ इंड्यूर्ड, वो चीज़ें ठीक ठाक बनी रही आल दोज ईयर्स, इतने सालों तक, बिकॉज क्योंकि दे वर थिंग्स, वो चीज़ें थी, वो निर्जीव वस्तुएं थी। थिंग्स मतलब होता है निर्जीव वस्तुओं से, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि वो चीज़ें इतने सालों तक ठीक ठाक बनी रही क्योंकि वो निर्जीव वस्तुएं थी। बट ग्रेजुअली, लेकिन स्वाभाविक रूप से एवरीथिंग, आप ऐसे बोलो कि बट ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे एवरीथिंग, सब कुछ बिकेम मोर नॉर्मल, सब कुछ सामान्य हो गया अगेन एक बार फिर से, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ एक बार फिर से सामान्य हो गया। ब्रेड, ब्रेड मतलब ब्रेड ही भी बोल सकते हो या फिर डबल रोटी बोल सकते हो। वाज गेटिंग, मिलने लगी, डबल रोटी मिलने लगी टू अ लाइटर कलर, लाइटर मतलब हल्के कलर, मतलब रंग में, तो डबल रोटी हल्के रंग में मिलने लगी। देर वॉज अ बेड, एक बेड था, एक बिस्तर था, यू कुड स्लीप, जहाँ पर आप सो सकते हैं, इन अंडर टेंट, बिना किसी खतरे के। तो एक बेड था, एक बिस्तर था, जिस पर आप बिना किसी खतरे के सो सकते थे। अ रूम, एक कमरा था, विथ अ व्यू, जिसके जिसके बाहर एक व्यू था, एक दृश्य था, एक नज़ारा था, यू आर मोर यूज टू, जिसकी आपको आदत पड़ गई थी, ग्लैंसिंग देखने की, जिसको देखने की आपको आदत पड़ गई थी, ईच डे, प्रत्येक दिन, अर्थात कमरे के बाहर, या सॉरी, एक रूम, एक ऐसा कमरा था जिसके बाहर आपको हर दिन देखने की यूज टू, आदत पड़ गई थी, ठीक है। तो एक कमरा था जिसके बाहर आपको रोज़ देखने की आदत पड़ गई थी, अर्थात आपने एक घर बना लिया, आपका एक घर है, आप घर में सुकून से सो रहे हो। जब युद्ध हो रहा होता है ना, तो लोग भागते रहते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो एक घर बनाया होगा, उसमें कमरा होगा, बिस्तर होगा, और रोज़ वो अपने घर से बाहर देखते होंगे तो एक ही नज़ारा दिखता होगा। तो वो सारी चीज़ें वो बता रही हैं। अब कहती हैं कि एंड वन डे, और एक दिन, आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया कि आई वॉज क्यूरियस, कि मैं लालायित हो गई हूँ, अबाउट ऑल द पोजिशंस, उन सभी चीज़ों के लिए, दैट मस्ट बी, मस्ट स्टिल बी, जिन्हें अवश्य ही होना चाहिए, एट दैट एड्रेस, उस पते पर या उस घर में, ठीक है। तो और एक दिन मैंने नोटिस किया, एक दिन मैंने ध्यान दिया कि मैं उन सभी चीज़ों के लिए लालायित हो गई हूँ, जिन्हें उस घर में या उस पते पर होना चाहिए था। I wanted to see them, मैं उन्हें देखना चाहती थी, touch, छूना चाहती थी, remember, और याद करना चाहती थी। After my first visit, जबकि my first visit, मेरा पहला प्रयास, in vain, बेकार हो गया। Visit मतलब किसी के घर पर जाना, किसी स्थान पर जाना, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सीधा सीधा पढ़ेंगे, क्योंकि हमको इस चैप्टर से लड़ाई नहीं करनी। तो after my first visit, जबकि मेरा पहला प्रयास, in vain, बेकार हो गया। अब जबकि मेरा पहला प्रयास बेकार हो गया, टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, श्रीमती डॉर्लिंग के घर पर, श्रीमती डॉर्लिंग के घर पर, अब जबकि मेरा पहला प्रयास बेकार हो गया, आई डिसाइडेड, तो मैंने निश्चय किया, टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, एक बार दोबारा कोशिश करने की, या दोबारा कोशिश करने का मैंने निर्णय लिया। डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना। नाउ, अब, या फिर आप बोल सकते हो कि इस बार, अ गर्ल ऑफ अबाउट 15, एक लड़की ने, अबाउट 15, 15 वर्ष की, इस बार एक 15 वर्ष की लड़की ने, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला, टू मी, मेरे लिए, इस बार एक 15 वर्ष की लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हर उससे,
मैंने उससे पूछा, इफ़ हर मदर, कि क्या उसकी माँ वाज एट होम, घर पर हैं? मैंने उससे पूछा कि क्या माँ घर पर हैं? नो, नहीं, सी सैड, उसने कहा। माई मदर्स डूइंग एन अरेंड। डूइंग एन अरेंड का सीधा सीधा मतलब होता है किसी काम से बाहर गई हैं। माई मदर्स, मेरी माँ, तो मेरी माँ किसी काम से बाहर गई हैं। नो मैटर, कोई बात नहीं, आई सैड, मैंने कहा। आई विल वेट फॉर हट, आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूँगी फॉर हर, उनके लिए, अर्थात मैं उनका इंतज़ार करूँगी, अर्थात मैं उनकी प्रतीक्षा करूँगी, या सीधा सीधा बोल सकते हैं कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल, आई फॉलोड द गर्ल, मैं लड़की आई, मैं फॉलोड, पीछे चल पड़ी, द गर्ल लड़की के। आप इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं कि आई फॉलोड द गर्ल, मैं लड़की के पीछे पीछे चल पड़ी, अलॉन्ग द पैसेज, पैसेज मतलब होता है गलियारा, तो गलियारे में मैं लड़की के पीछे पीछे चल पड़ी, या फिर मैं लड़की के पीछे पीछे गलियारे में चल पड़ी। एंड ओल्ड फैशन्ड, एक पुराने ढंग का या एक पुराने ज़माने का आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर, देखो ध्यान से समझना, दे नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। आयरन मतलब होता है लोहे का, हनुक्का मतलब होता है समादान, कैंडल होल्डर उसी समादान को बढ़ाकर लिखा गया है कैंडल होल्डर, कैंडल मतलब मोमबत्ती को, होल्डर मतलब पकड़ने वाला। समादान का काम होता है कि उस पर मोमबत्तियाँ जलाकर रखी जाती हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो हनुक्का कैंडल होल्डर, इस पूरे का मतलब है समादान, ठीक है, समादान पर ही कैंडल मोमबत्तियाँ लगाई जाती हैं और वो उसको होल्ड करके रखता है, अर्थात उनको पकड़ कर रखता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो हनुक्का कैंडल होल्डर का मतलब होता है समादान, ठीक है। तो एक पुराने ढंग का लोहे का आयरन, ओ हनुक्का कैंडल होल्डर, समादान हंग लटक रहा था नेक्स्ट टू अ मिरर, दर्पण के बगल में। वी नेवर यूज्ड इट। अब देखो, ये सारा सामान उसी लड़की का है जो उस पते पर गई है अपना पूरा सामान लेने के लिए, यानी हमारी नायिका का है, इसलिए वो कह रही है कि वी नेवर यूज्ड इट। वी नेवर, हमने कभी भी यूज्ड, प्रयोग नहीं किया इट इसका, हमने इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया, हमने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। बिकॉज़, क्योंकि इट वॉज़ मच मोर कैम्बरसम, मच मोर कैम्बरसम, ये कहीं ज़्यादा भारी था देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, सिंगल एक कैंडल स्टिक समाधान के मुकाबले, या एकल समाधान के मुकाबले ये कहीं ज़्यादा भारी था। अब कहीं पर देखो, कैंडल होल्डर आप देख सकते हो कि उसमें तीन है, ठीक है, तीन है, चार है, पांच है, जो उस हनुक्का कैंडल होल्डर, यानी जिससे मतलब है कि समाधान जो है उसमें बहुत सारे कैंडल्स को रखने के लिए जगह बनी है, अर्थात वो भारी होगा। लेकिन जो सिंगल कैंडल स्टिक होती है, यानी सिंगल कैंडल होल्डर होता है, सिंगल या एकल समादान होता है, उसमें केवल एक ही मोमबत्ती आप लगा सकते हैं, तो एक वाला जाहिर सी बात है कि पांच वाले से हल्का होगा। तो इसलिए वो कह रही है कि वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसका कभी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इट वॉज मच मोर कम्बर्शम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी था देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, सिंगल एकल या एक कैंडल स्टिक समादान के मुकाबले में, तुलना में भी बोल सकते हैं। तो एक समादान की, एक समादान, ये एकल समादान की तुलना में ये कहीं ज़्यादा भारी था, और इसीलिए हमने इसका कभी भी उपयोग नहीं किया। वॉन्ट यू सिट डाउन, आप बैठेंगी नहीं, वो लड़की कह रही कि वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या आप बैठेंगी नहीं, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। तो लड़की ने पूछा कि क्या आप बैठेंगी नहीं, अर्थात बैठ जाइए, खड़ी क्यों हैं आप। सी हेल्ड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला ऑफ द लिविंग रूम, बैठक कक्ष का, उसने बैठक कक्ष का या फिर बैठक का दरवाज़ा खोला। एंड आई, और मैं, वेंट इनसाइड, अंदर चली गई, पास्ट हर, उसके आगे, यानी मैं उससे आगे बढ़ गई, वो दरवाज़ा खोलकर खड़ी ही थी, लेकिन मैं क्या हुआ, मैं अंदर कमरे में चली गई, और वो अभी भी दरवाजे पर थी, इसलिए वो कह रहे हैं कि पास्ट हर, उसको पीछे छोड़कर मैं अंदर चली गई, ठीक है। तो सी हेल्ड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला बैठक कक्ष का या बैठक का, तो उसने बैठक का दरवाज़ा खोला और मैं उससे आगे अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी, या फिर मैं रुक गई, हॉरिफाइड, और मैं डर गई। आई वॉज इन अ रूम, मैं एक कमरे में थी, आई न्यू, जिसे मैं जानती थी।
मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती थी एंड डिडेंट नो, एंड और डिडेंट नो, फिर भी उसकी जानकारी मुझे नहीं थी। कहने का मतलब है कि कमरे के अंदर जितना सामान था वो नायिका की माँ का था, तो कमरे के अंदर का सारा सामान वो जानती थी, लेकिन ये कमरा यहाँ पर है और इस कमरे में ये सारा सामान रखा गया है, इस बात की जानकारी उनको नहीं थी। तो इसलिए वो कह रही हैं कि आई वॉज इन रूम, मैं एक ऐसे कमरे में थी, आई न्यू, जिसे मैं जानती थी या फिर जिससे मैं परिचित थी, एंड डिडेंट नो, और फिर भी उस कमरे की जानकारी मुझे नहीं थी। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को पाया, इन द मिस्ट, मध्य में ऑफ थिंग्स, चीज़ों के, मैंने खुद को चीज़ों के मध्य में पाया या फिर चीज़ों के बीच में पाया। छोटा छोटा कर लेते हैं। मैंने खुद को चीज़ों के बीच में पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, सी अगेन, दोबारा देखना चाहती थी। आई वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाहना, तो आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मैं उन चीज़ों को दोबारा देखना चाहती थी, बट लेकिन विच ऑप्रेस्ड मी, विच ऑप्रेस्ड मी, इसने मुझे ऑप्रेस्ड कर दिया, व्यथित कर दिया। ठीक है, मैं उन चीज़ों को दोबारा देखना चाहती थी पर उनको देखकर मैं व्यथित हो गई। इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, स्ट्रेंज इस विचित्र एटमोसफियर, माहौल में, तो इस विचित्र माहौल में उन चीज़ों को देखकर मैं व्यथित हो गई। ठीक है, तो मैंने स्वयं को चीज़ों के बीच में पाया। आई डिड वॉन्ट सी अगेन, जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, लेकिन इस विचित्र माहौल में उन चीज़ों को देखकर मैं व्यथित हो गई, मैं परेशान हो गई। अब ये वाला एटमोसफियर पहले ही लिख दिया था, ठीक है, चलो। और अथवा, अब इस और का मतलब है कि अथवा मैं इसलिए व्यथित हो गई या फिर मैं इसलिए दुखी हो गई, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द टेस्टलेस वे, अव्यवस्थित तरीके से, टेस्टलेस वे मतलब अव्यवस्थित तरीके से, एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, हर चीज़ रखी गई थी, या फिर मैं इसलिए दुखी हो गई क्योंकि हर चीज़ अव्यवस्थित तरीके से रखी गई थी, अर्थात जिस चीज़ को जहाँ पर होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं थी। ठीक है, अब हाथ की जगह पैर लगा दो, पैर की जगह हाथ, तो एकदम अजीब लगेगा ना, वही चीज़। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, बिकॉज, क्योंकि, द अगली फर्नीचर, जो फर्नीचर था वो गंदा था, क्योंकि फर्नीचर गंदा था, और द मगी स्मेल, और उमसदार गंध आ रही थी, दैट हंग देयर, उस कमरे से, सीधा सीधा उस कमरे से उमसदार गंध आ रही थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अब मैं किस लिए व्यथित हो गई, किस बात के लिए दुखी हो गई, मुझे नहीं पता। ठीक है, वो कई कारण बताती हैं कि वो सारी चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से रखी थी, वो विचित्र माहौल में थी, कमरे से उमसदार गंध आ रही थी और फर्नीचर भी गंदा था। अब कौन सा कारण था जिसकी वजह से मैं दुखी हो गई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट आई सीक्रेटली डेयर्ड, लेकिन मैं साहस नहीं जुटा पा रही थी, टू लुक अराउंड मी, अराउंड मी, अपने चारों ओर लुक देखने का, लेकिन मैं अपने चारों ओर देखने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, अर्थात लेकिन अपने चारों ओर देखने का मुझ में साहस नहीं था। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, द गर्ल, लड़की ने मूव्ड अ चेयर, एक कुर्सी खिसकाई। आई सेट डाउन, मैं उस पर बैठ गई, एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ। वूलन मतलब होता है ऊनी, टेबल का, टेबल क्लॉथ मतलब होता है मेजपोश। ठीक है, तो टेबल क्लॉथ, जो टेबल के ऊपर कपड़ा बिछाया जाता है, उसको बोलते हैं मेजपोश। आई सेट डाउन, मैं बैठ गई, एंड स्टेयर्ड, और देखा, द वूलन टेबल क्लॉथ, ऊनी मेजपोश को, मैं बैठ गई और मैंने ऊनी मेजपोश को देखा। आई रब्ड इट, मैंने इसे रगड़ा, माई फिंगर्स, मेरी उंगलियाँ, ग्रिव वार्म, गर्म हो गई, फ्रॉम रबिंग, रगड़ने की वजह से, तो मेरी उंगलियाँ इसे रगड़ने की वजह से गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन, आई फॉलोड, मैंने दृष्टि दौड़ाई या फिर मैंने नज़र दौड़ाई, द लाइन, उन लकीरों पर, ऑफ द पैटर्न, ऑफ द पैटर्न, उस पर बनी आकृति या उस पर बने पैटर्न की लकीरों पर मैंने दृष्टि दौड़ाई। ठीक है, देखिए, मेजपोश पर डिज़ाइन बना दी जाती है, पक्षी बना दिया, शेर बना दिया, फूल बना दिया, तो वही चीज़ है, पैटर्न का मतलब उन्हीं चीज़ों से है। ठीक है,
तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि उस पर बने जो नमूने थे, पैटर्न मतलब उस पर बने जो नमूने थे, जो फूल थे या फिर शेर बाघ चीता कुछ भी जो बनाया गया था, उस पर जो आकृति बनाई गई थी उसकी लकीरों पर आई फॉलोड, मैंने दृष्टि दौड़ाई, मैंने नज़र दौड़ाई। पहला तरीका ये है, आप सीधा सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस पर बने नमूनों पर उस ऐसे कि उस पर बने नमूनों की लकीरों पर मैंने दृष्टि दौड़ाई, यानी मैं उन चीज़ों को ध्यान से देख रही थी। समवेयर कहीं पर, ऑन द एज किनारे पर, यही कहीं किनारे पर यानी इसके किसी किनारे पर, देयर शुड बी होना चाहिए अ बर्न मार्क, जले का निशान। इसके किसी कोने पर या इसके किसी किनारे पर जले का निशान होना चाहिए, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, दैट हैड जिसे नेवर कभी भी नहीं रिपेयर ठीक किया गया था, जिसे कभी भी भरा नहीं गया था या फिर जिसे कभी भी ठीक नहीं किया गया था। ठीक है, माई मदर विल बैक सून, माई मदर मेरी माँ विल बी बैक सून, जल्द ही आ जाएंगी, मेरी माँ जल्द ही आ जाएंगी, सैड द गर्ल, लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी, मैंने पहले से ही चाय बना ली है फॉर हर, उनके लिए, अर्थात मैंने उनके लिए भी चाय बना ली है। विल यू हैव अ कप, विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप लेंगी, अर्थात आप चाय लेंगी। सीधे सीधे वो पूछ रही है कि क्या आप चाय लेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। अब इस थैंक यू का मतलब है कि हाँ मैं चाय लूँगी और इस चाय को देने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, तो विल यू हैव अ कप, क्या आप चाय लेंगी, अर्थात आप चाय लेंगी ना, वो सीधे सीधा पूछ रही है, तो क्या आप चाय लेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। लेखिका वो हमारी जो हीरोइन है, मतलब नायिका है हमारी कहानी की, वो कहती है थैंक यू, चाय देने के लिए आपका धन्यवाद। आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल, लड़की ने पुट कप, कप रख दिए थे रेडी ऑन द टी टेबल, मेज पर। लड़की ने मेज पर, टी टेबल मतलब चाय की टेबल पर, आप सीधा सीधा बोल सकते हो मेज पर, तो लड़की ने मेज पर पहले से ही कप रख दिए थे, या फिर लड़की ने चाय के कप मेज पर रख दिए थे। सी हैड अ ब्रॉड बैक, सी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी कमर जो थी, उसकी पीठ जो थी, आप जैसा बोलना चाहे, आप कमर भी बोल सकते हैं, पीठ भी बोल सकते हैं, बैक का मतलब कमर से भी होता है, पीठ से भी होता है, लेकिन चलिए हम पीठ ही बोलेंगे। ठीक है, तो ब्रॉड बैक, ब्रॉड मतलब चौड़ी, तो सी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी जो पीठ थी वो चौड़ी थी, अर्थात उसकी पीठ चौड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर, ठीक उसकी माँ की ही तरह, लाइक हर मदर, उसकी माँ के ही जैसे, सी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी भी पीठ चौड़ी थी। क्लियर है, दोनों तरह से बता दिया कि उसकी पीठ चौड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माँ की ही तरह। शी पोर टी, उसने चाय उड़ी, शी पोर, पोर मतलब होता है उड़ेलना, टी मतलब चाय, तो उसने चाय उड़ेली फ्रॉम अ वाइट पॉट, एक सफ़ेद केतली से। यहाँ पे थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ दीजिएगा, उसने चाय प्यालों में या कप में उड़ेली। ठीक है, तो उसने चाय कप में उड़ेली या प्यालों में उड़ेली फ्रॉम अ वाइट पॉट, एक सफ़ेद केतली से। आप चाहें तो सीधा सीधा इतना भी बोल सकते हैं कि सी पोर्ड टी, उसने चाय उड़ेली फ्रॉम अ वाइट पॉट, एक सफ़ेद केतली से। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर, सुनहरा बॉर्डर था, बॉर्डर मतलब सीमा, डिज़ाइनिंग की जाती है ना केतली पर, बर्तन पर डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है गोल्ड बॉर्डर, मतलब सुनहरा बॉर्डर था ऑन द लिड, इसके ढक्कन पर, इसके ढक्कन पर सुनहरा बॉर्डर था। ठीक है, यानी केतली के ढक्कन पर सुनहरा बॉर्डर था, तो इस केतली के, यानी इस केतली की बात हो रही है कि सी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उस सफ़ेद केतली के ढक्कन पर सुनहरा बॉर्डर था। आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद है। सी ओपेंड अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला, एंड टुक सम स्पून्स आउट, और सम स्पून्स और कुछ चम्मच आउट बाहर निकाले। उसने एक बॉक्स खोला, एक डिब्बा खोला और उसमें से कुछ चम्मच बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, यह डब्बा तो बहुत अच्छा है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, आई हर्ड, मैंने सुना, माई ओन वॉइस, अपनी खुद की आवाज़ को, मैंने अपनी स्वयं की आवाज़ को सुना। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, इट वॉज, यहाँ थी या स्ट्रेंज वॉइस, एक अजीब आवाज़, ये एक अजीब आवाज़ थी या फिर ये एक विचित्र आवाज़ थी। एज थ्रो, ऐसा लग रहा था, ईच साउंड, कि हर आवाज़ वॉज डिफरेंट, अलग थी, इन दिस रूम, इस कमरे में।
ऐसा लग रहा था कि इस कमरे में हर आवाज़ अलग थी। ओह अरे, यू नो अबाउट देम, आपको इनके बारे में जानकारी है? सी हैड टर्न्ड राउंड, वह मुड़ी एंड बॉट मी माई टी, और मुझे चाय ला कर दी। ठीक है, वह मुड़ी और मुझे चाय ला कर दी। सी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर सेज, मेरी माँ कहती हैं कि इट इज़ एंटीक। एंटीक का मतलब होता है प्राचीन कला। ठीक है, एक तरह से एंटीक का मतलब सीधा सीधा होता है प्राचीन कला वस्तुएं, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो बहुत पहले बनाई गई थी और अब वो एंटीक्स हैं, यानी प्राचीन कला की एक निशानी बन गई हैं, उनको बोलते हैं एंटीक। एंटीक शब्द को आप एंटीक बोल सकते हैं क्योंकि यह एक हिंदी की तरह इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है और एंटीक शब्द से सभी परिचित हैं। एंटीक की हिंदी होती है प्राचीन कला वस्तु। ठीक है, तो माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है कि इट इज़ एंटीक, कि यह एंटीक हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरी माँ कहती है कि यह प्राचीन कला वस्तुएं हैं। वी हैव गॉट लॉट ऑफ मोर, लॉट्स मोर, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। वी हैव गॉट, हमारे पास हैं लॉट्स मोर, ऐसी बहुत चीज़ें, अर्थात हमारे पास बहुत से एंटीक सामान हैं, हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी पॉइंटेड, उसने इशारा किया राउंड चारों ओर द रूम, कमरे में, कमरे के चारों ओर उसने इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, आप स्वयं ही देख लीजिए। आई हैड नो नीड, मुझे आवश्यकता नहीं थी टू फॉलो हर हैंड, उसके हाथ का पीछा करने की, अर्थात मुझे उसके हाथ का पीछा करने की या उसके हाथ के इशारे की पीछा करना, फॉलो मतलब होता है पीछा करना या अनुसरण करना, हर हैंड उसका हाथ, अर्थात जिस तरफ वो हाथ घुमाती जा रही थी उसी उसी तरफ दृष्टि दौड़ाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, इस तरह से कह रही है वो। तो आई हैड नो नीड, मुझे आवश्यकता नहीं थी टू फॉलो, अनुसरण करने की हर हैंड उसके हाथों की, तो उसके हाथ के इशारों का अनुसरण करने की मुझे आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आई न्यू, मैं जानती थी, ये तो हो गया ना कि आई हैड नो नीड, मुझे आवश्यकता नहीं थी टू फॉलो, अनुसरण करने की हर हैंड उसके हाथ के इशारों की, तो उसके हाथ के इशारों की या उसके हाथ के इशारों का अनुसरण करने की मुझे आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू, मैं जानती थी, विच थिंग्स, कि किन चीज़ों की सीमेंट वो बात कर रही है, मुझे पता था कि वह किन चीज़ों की बात कर रही है, क्योंकि ये सारा सामान तो नायिका का ही था। उस चौड़ी पीठ वाली लड़की की माँ तो नायिका के माँ के घर से सारा सामान ले आई थी, तो भाई वो नायिका कह रही हैं कि आई न्यू, मुझे पता था, विच थिंग्स सीमेंट, वो किन चीज़ों की बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड, मैंने केवल देखा एट द स्टिल लाइफ, उस तस्वीर को, ओवर द टी टेबल, चाय की मेज के ऊपर या फिर मेज के ऊपर की तस्वीर को, मैंने केवल मेज के या चाय की मेज के, आप सीधा सीधा बोलो मेज के, ठीक है, तो आई जस्ट, मैंने केवल मेज के ऊपर की तस्वीर को देखा। एज अ चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी, तो आई हैड ऑलवेज फैसिट, मैं हमेशा इच्छा रखती थी द एप्पल, उन सेबों को खाने की, ऑन द पॉटर प्लेट, जो जस्ते की प्लेट में रखे हैं। तो जब मैं बच्ची थी तो मैं हमेशा से जस्ते की प्लेट में रखे उन सेबों को खाने की इच्छा रखती थी, अर्थात वो जो पेंटिंग थी उस पेंटिंग में, उस तस्वीर में कहीं पर जस्ते के प्लेट में सेब रखे होंगे, तो वही कह रहे हैं कि जब मैं बच्ची थी तो मैं उन सेबों को खाना चाहती थी। क्लियर है? अब आगे कह रही है लड़की कि वी यूज़ इट, हम इनका प्रयोग करते हैं, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए। अब वो चौड़ी पीठ वाली लड़की कह रही है कि जो घर में आप सामान देख रहे हो ना, इन सभी सामानों का हम उपयोग करते हैं, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, अर्थात खाना हो गया, चाय पीना हो गया, हर चीज़ के लिए हम इन्हीं चीज़ों का उपयोग करते हैं। वी यूज़ इट, हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, फॉर एवरीथिंग, हर काम के लिए। सी सैड, उसने कहा, वंस, एक बार तो, वी इवन एट, हमने खाया था, ऑफ द प्लेट्स, उन प्लेटों में, एक बार तो हमने उन प्लेटों में खाया था, हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर लटक रही हैं, यानी कहने का मतलब है कि कुछ प्लेटें होंगी जो दीवार पर लटक रही होंगी, तो उन प्लेटों को दीवार से उतारा, खाना खाया उनमें और साफ़ धुल के फिर से उनको टांग दिया। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब क्या दीवार में टंगी है तो टंगे टंगे ही खा लिया था, नहीं, टंगी थी तो उसको नीचे उतारा, उसमें खाना खाया और फिर से धुल के उसको फिर से टांग दिया। ठीक?
ठीक है। तो वंस, एक बार तो वी इवन एट हमने खाना खाया था उन प्लेटों में जो वहाँ पर टंगी हैं ऑन द वॉल, दीवार पर। तो वो प्लेटें जो वहाँ दीवार पर टंगी हैं, एक बार तो हमने उन प्लेटों में भी खाना खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा इच्छा रखती थी, अर्थात मैं उन प्लेटों में खाने की बहुत ज़्यादा इच्छुक थी। बट इट वॉज़न्ट एनी थिंग स्पेशल, बट लेकिन इट वॉज़न्ट एनी थिंग स्पेशल, लेकिन इसमें एनी थिंग कुछ भी स्पेशल विशेष नहीं लगा, लेकिन इसमें कुछ भी विशेष नहीं लगा। अर्थात मेरी इच्छा तो थी कि मैं इन प्लेटों में खाना खाऊं, लेकिन जब इन्हें मैंने इन प्लेटों में खाना खाया तो स्वाद में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात कुछ भी विशेष लगा नहीं मुझे। लड़की कह रही है कि भाई अब जैसा खाना बना है, आप चाहे जस्ते की प्लेट में खाओ चाहे चांदी की प्लेट में खाओ, खाने का स्वाद तो वैसा ही आएगा ना जैसा वो है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको चांदी की प्लेट में दे दिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा खाने में लगने लगा उसका स्वाद, और जस्ते की प्लेट में दे दिया तो उसका स्वाद बिगड़ गया, ऐसा तो होता नहीं। तो वही लड़की कह रही है कि उसमें खाने के बाद भी कुछ मुझे विशेष लगा नहीं, ठीक है। अब कह रही है कि वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, हम सभी कामों के लिए इनका उपयोग करते हैं। वह कहती है कि एक बार तो हमने उन प्लेटों में भी खाना खाया था जो वहाँ दीवार पर लटक रही हैं। आई वॉन्टेड सो मच, और मैं इनमें खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक थी, लेकिन इनमें खाना खाने के बाद मुझे इसमें कुछ भी विशेष नहीं लगा, अर्थात लेकिन इसमें मुझे कुछ भी विशेष नहीं लगा। आई हैड फाउंड, मैंने ढूंढ लिया था द बर्न मार्क, उस जले के निशान को, ऑन द टेबल क्लॉथ, मेज पोश पर। तो मेज पोश पर उस जले के निशान को मैंने ढूंढ लिया था। द गर्ल, उस लड़की ने लुकड एट मी क्वेश्चनली, उस लड़की ने मेरी ओर देखा, लुकड एट मी, मेरी ओर देखा क्वेश्चनली, खोजक दृष्टि से। उस लड़की ने मेरी ओर खोजक दृष्टि से देखा, अर्थात तो वो चौंक गई कि अरे मुझे कैसे, इन्हें कैसे पता ये जला है या क्या हुआ है क्या नहीं। तो उस लड़की ने मेरी ओर खोजक दृष्टि से देखा। यस हाँ, आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज, तुम्हें आदत हो गई है टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, इन लवली थिंग्स, इन प्यारी चीज़ों को टचिंग, छूने की, ऑल, इन सभी प्यारी चीज़ों को छूने की। यू गेट सो यूज टू, तुम्हें आदत हो गई है, यू गेट सो यूज टू, तुम्हें आदत हो गई है टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, इन सभी प्यारी चीज़ों को, तो इन सभी प्यारी चीज़ों को छूने की तुम्हें आदत हो गई है, इन द हाउस, घर में, तो इस घर में इन सभी प्यारी चीज़ों को छूने की। यू गेट सो यूज टू, तुम्हें आदत हो गई है। यू हार्डली, और यू हार्डली, तुम मुश्किल से ही लुक देखती हो एट देम, उनकी ओर, एनी मोर, और ज़्यादा, मतलब और तुम उन चीज़ों की ओर ध्यान पूर्वक मुश्किल से ही देखती हो, ये कहना चाहती हैं। यू हार्डली लुक एट देम, तुम उनकी ओर बड़ी मुश्किल से देखती हो, एट एनी मोर, मतलब एनी मोर, और ज़्यादा, अर्थात तुम उनकी ओर मुश्किल से ही देखती हो ध्यान पूर्वक। अर्थात जब कोई काम रोज हो रोज होने लगे तो हम उस पर थोड़ा ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते कि हाँ यही तो है। अब इसे सीधे सीधे ऐसे पढ़ लो कि यस हाँ, आई सेड, मैंने कहा, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, इस घर में इन सभी प्यारी चीज़ों को छूने की तुम्हें यूज टू आदत हो गई है, और यू हार्डली, और तुम बहुत मुश्किल से ही इन चीज़ों की ओर ध्यानपूर्वक देखती हो, अर्थात इन चीज़ों की ओर तुम कभी भी ध्यानपूर्वक नहीं देखती हो। क्लियर हो गया ना कि इस घर में इन सभी प्यारी चीज़ों को छूने की तुम्हें आदत हो गई है, और तुम इन चीज़ों की ओर ध्यानपूर्वक कभी भी नहीं देखती हो। यू ओनली नोटिस, तुम केवल तब ध्यान देती हो व्हेन, जब समथिंग इज मिसिंग, समथिंग, कोई चीज़ मिसिंग, खो जाती है, ठीक है। तुम केवल तभी ध्यान देती हो जब कुछ चीज़ गायब हो जाती है या फिर खो जाती है। बिकॉज, क्योंकि इट हैज, इट, इस चीज़ को हैज़ टू बी रिपेयर्ड, रिपेयर्ड ठीक करने के लिए या मरम्मत करने के लिए दिया गया होता है, और अथवा बिकॉज, क्योंकि यू हैव लेंट इट, आपने इसे लेंट किया होता है, उधार दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अर्थात तुम चीज़ों पर तभी ध्यान देती हो जब इसे, इनमें से कोई चीज़ गायब हो जाती है या फिर मिस हो जाती है, खो जाती है,
क्योंकि अर्थात या तो इन चीज़ों को मरम्मत करने के लिए दिया गया है, अर्थात जब आप घर में किसी से पूछते हो कि ये चीज़ें कहाँ गई, तो आपको घर वाले बताते हैं कि ये चीज़ मरम्मत कराने के लिए दी गई है, या फिर वो चीज़ उधार दी गई है किसी को, हमारा फ्रेंड ले गया है, ये सारी चीज़ ठीक है। जैसा नायिका की माँ ने उसको बताया था कि ये सारा सामान मेरी सहेली अपने घर ले गई है, उसी तरह से चलो, बिकॉज़ क्योंकि इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, इस चीज़ को ठीक कराने के लिए या इस चीज़ की मरम्मत करने के लिए इसको दिया गया होता है, या फिर इस चीज़ को उधार दिया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगेन एक बार फिर से या दोबारा से, आई हर्ड, मैंने सुना द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, मेरी आवाज़ का एक अजीब स्वर, ठीक है। अननेचुरल साउंड अस्वाभाविक स्वर होता है, बट आप सीधे सीधे अजीब बोलेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैंने अपनी आवाज़ का एक अजीब स्वर सुना, एंड आई वेंट ऑन, और मैं बोली, आई रिमेम्बर, मुझे याद है, माई मदर, कि मेरी माँ ने वंस आस्क्ड मी, एक बार मुझसे पूछा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर, कि क्या मैं उनकी सहायता करूँगी पॉलिश द सिल्वर, चांदी के बर्तनों को पॉलिश करने में, चमकाने में। छोटा छोटा कर लो, कि मुझे याद है कि एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा था कि आई वुड हेल्प हर, कि क्या मैं उनकी मदद करूँगी पॉलिश द सिल्वर, चांदी के बर्तनों को पॉलिश करने में। क्लियर है? तो मुझे याद है कि मेरी माँ ने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या मैं चांदी के बर्तनों को पॉलिश करने में उनकी मदद करूँगी। पॉलिश करना मतलब चमकाने से है। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, इट वॉज़, यह बात है अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पुराने समय की, यह एक बहुत पुरानी बात है। एंड और मुझे, आई वॉज़ प्रॉबेबली बोर्ड, एंड आई और मैं वॉज़ प्रॉबेबली बोर्ड, शायद बोर हो गई थी, शायद ऊब गई थी दैट डे, उस दिन, और मैं शायद उस दिन ऊब गई थी, और परहेप्स, या फिर शायद, आई हैड टू स्टे एट होम, मुझे घर पर स्टे रुकना पड़ा था, बिकॉज क्योंकि आई वॉज इल, मैं बीमार थी, और शायद मैं बीमार थी इसीलिए मुझे घर पर रुकना पड़ा था, एज क्योंकि शी हैड नेवर आस्क्ड मी, मेरी माँ ने, यानी उसने कभी भी नहीं पूछा था बिफोर, इससे पहले, अर्थात ऐसा काम करने के लिए मेरी माँ ने इससे पहले मुझे कभी भी नहीं पूछा था। यहाँ से एच सी, क्योंकि मेरी माँ ने हैड नेवर आस्क्ड मी, मुझसे नहीं पूछा था ऐसा काम करने के लिए बिफोर, इससे पहले, क्योंकि मेरी माँ ने इससे पहले ऐसा कोई भी काम करने के लिए या ऐसा काम करने के लिए मुझसे कभी नहीं पूछा था। तो एक बार फिर से देख लो, क्योंकि डाउट हो सकता है। तो इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत पुराने समय की बात है, अर्थात मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या रीज़न था। आई वॉज़ प्रॉबेबली बोर्ड, या तो मैं ऊब गई थी दैट डे, उस दिन, या तो मैं उस दिन ऊब रही थी, ठीक है, और परहैप्स, या फिर शायद, आई हैड टू स्टे एट होम, मुझे घर पर रुकना पड़ा था क्योंकि मैं बीमार थी। तो मैं घर पर बीमार बीमार होने की वजह से घर पर थी, तो भी एक तरह से मेरे पास बहुत सारा समय था, मैं खाली बैठी थी, इस वजह से मेरी माँ ने मुझको बर्तन मांजने के लिए बोल दिया, यानी साफ़ करने के लिए बोल दिया, पॉलिश करने के लिए बोल दिया, या फिर मैं घर पर ऊब रही थी और फालतू का कोई काम कर रही होंगी, इसलिए मेरी माँ ने मुझे बर्तन पॉलिश करने के लिए बोल दिया, मुझे याद नहीं है, ठीक है, इसलिए वो उसने सबसे पहले बोला कि ये बहुत पुराने समय की बात है, ठीक है, यानी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि आई वॉज़ प्रॉबेबली बोर्ड कि दैट डे, उस दिन या तो मैं ऊब गई थी या फिर बीमार होने की वजह से मुझे घर पर रुकना पड़ा था, क्योंकि मेरी माँ ने कभी भी ऐसा काम करने के लिए मुझे नहीं पूछा था इससे पहले, क्योंकि मेरी माँ ने इससे पहले ऐसा भी क्योंकि मेरी माँ ने इससे पहले ऐसा काम करने के लिए मुझसे कभी भी नहीं पूछा था। क्लियर है? आई आस्क्ड हर, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है इसलिए हो सकता है डाउट्स हो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, एक बार रिवीजन कर लो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो और फिर आगे चलो। तो आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा कि विच सिल्वर, किस चांदी के बर्तन की सीमेंट वो बात कर रही है। मैंने उससे पूछा कि वो किन चांदी के बर्तनों की बात कर रही है। एंड सी रिप्लाइड, और उसने उत्तर दिया, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होकर, और उसने आश्चर्य से उत्तर दिया, ठीक है, और उसने आश्चर्य से उत्तर दिया, या फिर आश्चर्यचकित होकर उसने उत्तर दिया, दैट इट वॉज द स्पून्स, वो चम्मच, फॉक्स वो कांटे, एंड नाइफ्स, और वो चाकू, ऑफ कोर्स, आदि, अर्थात ये चम्मच, ये कांटे, ये चाकू आदि, ठीक है, और उसने आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया, चम्मच,
कांटे, चाकू आदि, अर्थात ये सब कुछ, दैट इट वॉज, ये सब कुछ, चम्मच, कांटे, चाकू, अर्थात जो सारा सामान था सब चांदी का था। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, एंड दैट, और यह स्ट्रेंज थिंग, विचित्र बात थी, और यह मेरे लिए एक विचित्र बात थी। आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था द कल्चरी कि वो सारे बर्तन वी एट ऑफ, जिनमें हम खाना खाते हैं एवरी डे, हर दिन, वह सिल्वर, वो चांदी के थे। और मुझे नहीं पता था, आई डिडेंट नो द कल्जरी, कि वो सारे सामान, वो सारे बर्तन जिनमें हम रोज़ खाना खाते हैं, वो चांदी के थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, द गर्ल, वह लड़की, लाफ्ड अगेन, एक बार फिर से हंस दी, वह लड़की एक बार फिर से हंस पड़ी। आई बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ, यू डोंट नो, कि तुम्हें नहीं पता, इट इज़ एदर, कि तुम्हें ये बात नहीं पता थी, ठीक है, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें ये बात पता नहीं थी। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, अब देखिए वो कह रही हैं कि जब उनको मैं बताया उस लड़की को कि सारा सामान चांदी का है, तो वो लड़की थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गई कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सारा सामान जिसमें हम खाना खाते हैं सब चांदी का है। और वो लड़की हंस पड़ी, तो अब ये कह रही हैं कि आई बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि यू डोंट नो इट इज़ एदर, कि तुम्हें ये बात इससे पहले पता नहीं थी। आई लुक्ड, मैंने देखा, इंटेंटली एट हर, मैंने उस लड़की की ओर इंटेंटली देखा, गौर से देखा। वाट वी ईट विथ, सी आस्क्ड, वाट वी ईट विथ, हम किन चीज़ों में खाना खाते हैं, वाट वी ईट विथ, हम किन चीज़ों में खाना खाते हैं, सी आस्क्ड, उसने पूछा, अर्थात जब इन्होंने कहा कि तुम्हें ये बात पता नहीं थी कि वो सारे बर्तन चांदी के हैं, तो वो पूछ रही कि हम जिन चीज़ों में खाना खाते हैं, आप उन बर्तनों की बात कर रहे हो, सी आस्क्ड, उसने पूछा, ठीक है, तो वाट वी ईट विथ, क्या जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं खाना खाते समय, सी आस्क्ड, उसने पूछा। वेल, अच्छा, डू यू नो, क्या तुम्हें पता था, अब नायिका उससे कह रही है कि वेल, अच्छा, डू यू नो, क्या तुम्हें पता था। देखो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं यहाँ पे, कन्फ्यूज़ मत होना, वो लड़की पूछ रही है उससे, जब उन्होंने कहा कि ये बात तुमको पता नहीं थी, इस बात पे मैं शर्त लगा सकती हूँ, तो वो लड़की उस खुद उनसे पूछ रही है कि क्या वो जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं उन बर्तनों की बात कर रहे हो, कि वो सब चांदी के हैं और मुझे पता नहीं है, ये चीज़ वो खुद पूछ रही है लेखिका, मतलब नायिका से। तो वाट, क्या वी ईट विथ, जिन चीज़ों में हम खाना खाते हैं, सी आस्क्ड, उसने पूछा। वेल, अच्छा, डू यू नो, तो क्या तुम जानती थी, अर्थात वो नायिका, वो सॉरी, जो नायिका है हमारी कहानी की, वो उस लड़की से पूछ रही कि वेल, अच्छा, डू यू नो, तो क्या तुम जानती थी। सी हेसिटेटेड, वो संकोच में पड़ गई, अर्थात उस लड़की को सच में नहीं पता था कि वो सारे बर्तन चांदी के थे, ठीक है। सी हेसिटेटेड, वो संकोच में पड़ गई। सी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड, सी वॉक्ड, द साइड बोर्ड मतलब होता है बगल की आलमारी। सी वॉक टू द साइड बोर्ड, वो चल कर आलमारी तक गई, या फिर वो बगल की आलमारी तक गई। एंड वांटेड, और वो चाहती थी, टू ओपन अ ड्रावर, एक दराज खोलना, और वो एक दराज खोलना चाहती थी, या फिर वो एक दराज खोलने की कोशिश कर रही थी। तो सी वॉक टू अ साइड बोर्ड, वो बगल की आलमारी तक गई, एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रावर, और उसने एक दराज खोलने की कोशिश की, ठीक है, अर्थात वो सारे बर्तन देखना चाहती थी कि सही में चांदी के हैं या फिर झूठ बोल रही है ये। आई लुक, मैं देखती हूँ, इट्स इन हेयर, वो सब बर्तन यहाँ पर हैं, अर्थात उसी अलमारी में वो सब बर्तन रखे होंगे, तो वो कह रही है कि मैं देखती हूँ, अर्थात मैं खुद ही देख लेती हूँ, अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था कि ये चांदी के हैं। आई जम्प्ड अप, मैं उछल कर खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई वॉज फॉरगेटिंग, मैं भूल गई थी द टाइम, ट्रेन का समय, मैं गाड़ी का समय या ट्रेन का समय भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे गाड़ी पकड़नी ही होगी, या फिर मुझे गाड़ी अवश्य ही पकड़नी होगी। शी हैड हर हैंड, उसका हाथ था ऑन द ड्रावर, दराज पर, उसका हाथ दराज पर था, या उसका हाथ ड्रावर पर था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट, क्या आप प्रतीक्षा नहीं करेंगी, फॉर माई मदर, मेरी माँ की, क्या आप मेरी माँ की प्रतीक्षा नहीं करेंगी, या फिर क्या आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करेंगी। नो, नहीं, आई मस्ट गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई वॉक टू द डोर, डोर दरवाजे की ओर, आई वॉक्ड, मैं चल पड़ी, मैं दरवाजे की ओर चल पड़ी। द गर्ल, उस लड़की ने पुल्ड द ड्रावर ओपन,
ड्राइवर को दराज को पुल्ड ओपन खोल लिया था। लड़की ने दराज को खोल लिया था। आई कैन फाइंड, मैं ढूंढ लूँगी, माई ओन वे, अपना स्वयं का रास्ता, या फिर मैं अपना रास्ता स्वयं खोज लूँगी, वो लड़की कह रही है। उसके कहने का मतलब है कि मैं खुद देख लूँगी कि ये जो बर्तन हैं ये चांदी के हैं या नहीं। आप जा रहे हो तो आप जाओ, मैं अपना रास्ता स्वयं खोज लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, पैसेज गलियारे से, एज आई वॉक डाउन जब मैं गुजर रही थी, या फिर जब मैं गलियारे में चल रही थी। एक एक वर्ड समझना क्योंकि यही सबसे हार्ड है इसमें, ठीक है। एज आई वॉक डाउन द पैसेज जब मैं गलियारे में चल रही थी, या फिर जब मैं गलियारे से जा रही थी, आई हैड, मैंने सुना द जिगलिंग खनखनाहट को ऑफ स्पून्स चम्मचों के एंड फॉक्स और कांटों के। तो मैंने चम्मचों और कांटों की खनखनाहट सुनी, ठीक है। तो जब मैं गलियारे से जा रही थी, या जब मैं गलियारे से गुजर रही थी, या फिर जब मैं गलियारे में चल रही थी, तो मैंने चम्मचों और फॉक्स कांटों के खनखनाहट की आवाज़ सुनी। क्लियर है यहाँ तक? एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के कॉर्नर कोने पर, आई लुक्ड अप, मैंने देखा द नेम प्लेट, नाम पट्टिका को। सड़क के कोने पर मैंने नाम पट्टिका को देखा। मैकोनी स्ट्रीट, इट सैड, इस पर मैकोनी स्ट्रीट लिखा था। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं नंबर 46 वाले घर में थी, यानी जो घर था, जिस घर में मैं थी, उस घर का नंबर था 46। आई हैड बीन, मैं थी एट नंबर 46, मैं 46 यानी 46 नंबर वाले घर में थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता सही था। बट नाउ, लेकिन अब, आई डिडेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, बट नाउ, लेकिन अब, आई डिडेंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती थी टू रिमेंबर, याद रखना, इट एनी मोर, इस पते को और ज़्यादा, लेकिन इस पते को अब और ज़्यादा मैं याद नहीं रखना चाहती थी। या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि अब मैं उस पते को याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर, देयर वहाँ पर, आई वुडंट गो बैक, मैं वापस नहीं जाऊँगी, छोटा छोटा करो यहाँ पे, इतने का मतलब है, आई वुडंट गो बैक देयर, इतने का मतलब है कि मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगी। बिकॉज, क्योंकि, द ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें, दैट आर लिंक्ड, जो जुड़ी हैं, इन योर मेमोरी, आपकी यादों से, इतना करो, इतने का मतलब है क्योंकि वो चीज़ें जो आपकी यादों से जुड़ी हुई हैं, विद द फैमिली, एक परिचित जीवन से, ऑफ फॉर्मर टाइम, भूतकाल के, या प्राचीन समय के, या पूर्वकाल के। फॉर्मर टाइम्स मतलब भूतकाल होता है, पूर्वकाल होता है, पूर्व समय होता है, जो याद हो जाए कह लो। तो अब देखो, इतने का मतलब है कि आई वुडंट गो बैक देयर, मैं वहाँ पर वापस नहीं जाऊँगी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, अब इतने का मतलब है क्योंकि वो चीज़ें जिनसे आपकी यादें जुड़ी होती हैं, एक परिचित जीवन की, भूतकाल के, इतना भी हो गया ना, तो भूतकाल के, एक परिचित जीवन की, यानी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, इसका मतलब है कि भूतकाल के या पूर्वकाल के, फैमिलियर मतलब होता है परिचित, लाइफ मतलब जीवन, जीवन की। क्लियर है? पूरा जोड़ दो, पूरा जोड़ के इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि मैं वहाँ पे वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो सभी चीज़ें जो आपकी यादों से जुड़ी होती हैं, या फिर आप इसको ऐसे जो पढ़ सकते हो कि वो सभी चीज़ें जो पूर्वकाल के, आपके परिचित जीवन की यादों से जुड़ी होती हैं। पूरा समझ में आ गया ना? फिर से देख सकते हो कि मैं वहाँ पे वापस कभी नहीं जाऊँगी, या फिर मैं वहाँ पे वापस नहीं जाऊँगी, बिकॉज़, क्योंकि वो सभी चीज़ें जो आपके पूर्वकाल या भूतकाल के परिचित जीवन की यादों से जुड़ी होती हैं, इंस्टेंटली लूज, खो देती हैं देयर वैल्यू, अपना महत्व, वो अपना महत्व खो देती हैं, वे अपना महत्व खो देती हैं, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, वो अपना महत्व खो देती हैं, व्हेन, जब शिवर्ड, अलग हो जाते हैं फ्रॉम देम, उनसे, जब आप उनसे अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ की आप हमेशा साथ रहो,
तो उससे आपको एक लगाव हो जाता है, जैसे घर में कोई कुत्ता ही हो, आप डेली उसके साथ हो तो उससे एक लगाव है। लेकिन आप 10-15 साल के लिए या 2-4 महीनों के लिए कहीं दूर चले जाएं तो कुत्ते का लगाव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि जब उन चीज़ों से मैं अलग हो गई ना एक लंबे समय के लिए, तो उनका महत्व तो मेरे लिए समाप्त हो गया। वेन सीवर्ड, जब आप अलग हो जाते हैं फ्रॉम देम, उन चीज़ों से, तो जब आप उन चीज़ों से अलग हो जाते हैं तो यू सी देम अगेन, और जब आप देखते हैं देम, उन चीज़ों को अगेन दोबारा, इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, एक विचित्र माहौल में, और जब आप उन चीज़ों को एक विचित्र माहौल में दोबारा देखते हैं, तो पूरा मिला के सीधा सीधा वो कहना चाहती है कि वो सभी चीज़ें अपना महत्व तब खो देती हैं जब आप उनसे अलग हो जाते हैं, और जब आप उनको दोबारा देखते हैं एक विचित्र माहौल में या एक विचित्र सराउंडिंग में। अर्थात वो चीज़ें पहले इलाहाबाद में थी तो उनकी कद्र दूसरी थी, अब वो चीज़ें चली गई हैं लखनऊ में, तो वो चीज़ें स्थान बदलने के साथ ही ना उन चीज़ों का महत्व भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी अब ये चीज़ें, मैं इन चीज़ों से दूर हूँ, और ये सारी चीज़ें उस छोटी बच्ची के लिए, उस छोटी बच्ची को इन चीज़ों में ज़्यादा लगाव है, इसलिए ये चीज़ें मेरे लिए महत्वहीन हो गई हैं। ठीक है, तो लेखिका यानी हमारी नायिका जो है वो अपने आप को, अपने आप में ही ये सारी बातें बोल रही हैं। ठीक है, तो आई वुडंट गो बैक देयर, मैं वहाँ पे वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो सभी चीज़ें जो आपके भूतकाल के परिचित जीवन से, सॉरी, वो क्योंकि वो सभी चीज़ें जो आपके भूतकाल के परिचित जीवन की यादों से जुड़ी होती हैं, वो अपना महत्व खो देती हैं जब आप उनसे अलग हो जाते हैं, और फिर आप उन्हें देखते हैं दोबारा इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, एक विचित्र माहौल में, और जब आप उन्हें दोबारा विचित्र माहौल में देखते हैं। एंड वाट शुड आई हैव डन, एंड वाट शुड, अब देखिए ये बड़ा प्रश्न है कि एंड वाट, और क्या, शुड आई हैव डन, मैं क्या करूँगी, और मैं क्या करूँगी विद देम, उन चीज़ों का, और मैं उन चीज़ों का करूँगी भी क्या, सीधा सीधा कि मैं उन चीज़ों का करूँ भी क्या, या फिर मैं उन चीज़ों का क्या करूँगी इन अ स्मॉल, एक छोटे रेंटेड भाड़े के रूम कमरे में, एक छोटे भाड़े के कमरे में उन चीज़ों का मैं क्या करूँगी। अर्थात जो कमरा है उसमें वो सारी चीज़ें आ नहीं सकती, उन सभी चीज़ों को रखा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है। तो वही लेखिका सोच रहे हैं कि आखिर उन सभी चीज़ों का मैं क्या करूँगी इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटे भाड़े के कमरे में, वेयर, जहाँ श्रेड टुकड़े हैं, और ब्लैकआउट, ब्लैकआउट समय के पेपर, ब्लैकआउट समय के काले कागज के टुकड़े स्टिल हंग लटक रहे हैं, जहाँ ब्लैकआउट समय के काले कागज के टुकड़े लटक रहे हैं अलोंग द विंडोज, खिड़कियों पर। ठीक है, जहाँ ब्लैकआउट समय के काले कागजों के टुकड़े खिड़कियों पर लटक रहे हैं, एंड नो मोर देन अ हैंडफुल, एंड नो मोर देन अ हैंडफुल यानी एक मुट्ठी ऑफ कल्चरी, कल्चरी मतलब यहाँ पे कल्चरी से मतलब है कि जैसे वो कल्चरी मतलब चाकू था ना, छुरी, और वो कांटे, चम्मच, ये सब कल्चरी में आता है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कल्चरी मतलब एक एक मुट्ठी चाकू और सॉरी छुरे और कांटे फिटेड रखे गए हैं इन नैरो, पतली टेबल ड्रॉवर, मेज की दरार में। ठीक है, तो देखो बार बार पढ़ाने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। चलो, विंडोज़ तक इतना छोटा कर लो बेटा, ये अलग सेंटेंस है, एंड नो मोर मतलब अधिक नहीं, देन अ हैंडफुल एक मुट्ठी से, अर्थात एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं है, अर्थात एक मुट्ठी है ऑफ कल्चरी, छुरे कांटे। ठीक है, और एक मुट्ठी छुरे कांटे फिटेड रखे गए हैं इन नैरो पतली टेबल ड्रावर, मेज की ड्रावर में, मेज की दराज में, और एक मुट्ठी छुरे और कांटे मेज के दराज में रखे गए हैं। आई रिसॉल्व्ड, मैंने निश्चय किया, टू फॉरगेट, भूल जाने का, द एड्रेस, उस पते को, मैंने उस पते को भूल जाने का निश्चय किया, ऑफ ऑल, वो सभी द थिंग्स, उन सभी चीज़ों को आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलना पड़ेगा, अर्थात उन सभी चीज़ों को भूलना, आई हैड टू, मेरी मजबूरी थी, हैड टू
हैव टू, हैज टू, इसका यूज तो पढ़ाया गया होगा ना, जब कोई काम आपको जबरदस्ती करना पड़े, ठीक है, तो वहाँ पे हैज टू, हैव टू, हैज टू, ये सब यूज होते हैं, सबको पता है। चलो, हैड टू का मतलब है मुझे मजबूरी बस उन सभी चीज़ों को भूलना पड़ेगा, अर्थात ऑफ ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों को फॉरगेट, मुझे भूलना पड़ेगा और ये मेरी मजबूरी है, अर्थात उन सभी चीज़ों को भूलना मेरी मजबूरी है, दैट, और उनमें वुड बी द इजिएस्ट, सबसे आसान काम है द एड्रेस, उस पते को भूल जाना, दैट वुड बी इजिएस्ट, और उन उसमें सबसे आसान काम है द एड्रेस, उस पते को भूल जाना। तो मैंने निश्चय किया कि मैं उस पते को भूल जाऊंगी, और उन सभी चीज़ों को जिन्हें भूलना मेरी मजबूरी है, उनमें सबसे आसान उस पते को भूलना है। तो इस चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है, और एक बार पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह से आप हमारे साथ तैयारी कर सको। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगा।